नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव बिरालती पुलिस चौकी के निकट बिरालती बलवा खेड़ी नहर पटरी मार्ग पर अनियंत्रित होकर स्कूल वैन पलट गई। वैन पलटने से उसमें सवार होकर स्कूल जा रहे करीब दर्जनों बच्चे घायल हो गए, जिसके बाद सभी बच्चों को स्कूल ले जाया गया। सूचना मिलते ही परिजन स्कूल में पहुंचे, जहां घायल बच्चों का स्कूल संचालकों द्वारा उपचार न किए जाने पर अभिभावकों ने हंगामा करते हुए स्कूल संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए। घटना के सूचना मिलते ही चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तथा निजी वाहनों से सभी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराते हुए उनका उपचार कराया गया। पुलिस के द्वारा बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के बिरालसी चौकी के निकट ज्ञाना माजरा के पास आईडी पब्लिक स्कूल है। गुरुवार सुबह स्कूल वैन दूधरी पिलखनी आदि गाँव से बच्चों को घरों से लेकर विद्यालय जा रही थी, जब वैन बिरालसी चौकी के निकट बिरालसी बलवाखेड़ी नहर पटरी पर पहुंची तो विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर बराबर में गहरे खेत में पलट गई। बताया जा रहा है कि वैन पलटने से उसमें सवार करीब दर्जनों बच्चे घायल हो गए। गांव वालों की मदद से वैन को सीधा कराया गया और बच्चों को ले जाकर स्कूल छोड़ दिया गया। सूचना मिलते ही परिजन स्कूल पहुंचे, जहां घायल बच्चों को स्कूल द्वारा उपचार न दी जाने पर अभिभावकों ने हंगामा करते हुए स्कूल संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए। घटना की सूचना मिलते ही चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और निजी वाहनों से सभी बच्चों को सीएससी भर्ती कराते हुए उनका उपचार कराया। पुलिस के अनुसार घायल बच्चों में वीर प्रताप, लक्ष्य, अवनीश, समय प्रताप, ऋतिक, उमंग और हर्ष शामिल है। सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया है। वैन पलटने का मामला है क्या? बच्चे जा रहे थे पिलखनी से, उस वैन को पलट गंभीर चोट किसी बच्चे को नहीं आई। वहाँ पे परिवार जो बच्चों के परिजन थे उनका आरोप है कि जो वो ड्राइवर है उनका लाइसेंस नहीं है, गाड़ी भी की फिटनेस सही नहीं है। उसकी तो पुलिस जांच कर रही है, अभी इतना कुछ जर नहीं हुआ, लेकिन अगर नहीं लाइसेंस है तो कार्रवाई करेगी पुलिस। इसमें क्या बात है भाई साहब? आई टी पब्लिक स्कूल है, बिल्कुल लापरवाही है स्कूल संस्था की। ना तो देख के ड्राइवर कैसा अनुभव वाला है, नहीं है क्या तनख्वाह दे रहे, लाइट लाइसेंस है, 8-8 दिन होना गाड़ी ठीक रखी, गाड़ी चला रही, क्या सिटी गाड़ी की 10 बच्चों की है, गाड़ी में 15-20 बच्चे भर गए थे। अब एक इतना बड़ा हादसा हो गया, होगा समझो का जो है, परमात्मा का शुक्र है कि बच्चे छोटी ले हुए बच गए। पेरेंट्स के एक बच्चा, दो बच्चे हैं, दो पतले गाड़ी ने खाए, लोगों ने जाकर गाड़ी शुद्ध करी और स्कूल वालों ने बच्चे लाकर स्कूल में बैठा लिए। ये नहीं करा कि हमने जो है हॉस्पिटल में ले जाए, डॉक्टर इलाज करा। अब यहाँ जो पेरेंट्स ने हंगामा करा तो यहाँ डॉक्टर बुलाए। तो क्या ड्राइवर पर लाइसेंस वगैरह भी था क्या? बस ये तो जांच का भी है भाई, जांच होगी, जांच करा सरकार प्रसन्न है। और ऐसे स्कूल की मान्यता रहा दो तुरंत, हम सब जो है पेरेंट्स ये कर रहे हैं, पेरेंट्स यहाँ हंगामा कर रहे हैं स्कूल में, जब भी कान पे चुने जाए अंग्रेज जो है बिल्कुल। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।